वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज हम बनाएंगे आम की खट्टी मीठी मसालेदार चटनी, जो कि साल भर तक ख़राब नहीं होगी। साथ ही साथ मैं दूंगी वीडियो में कुछ टिप्स। तो चलिए बिना समय गवाए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 1 किलो कच्चे आम लिए हैं। इसको हमें धो के अच्छे तरह से साफ करना है और फिर इसके हमें छिलके उतारने हैं। तो इस तरफ नाइफ की मदद से हम इसके छिलके उतार लेंगे। इस तरह देख के बड़ी आसानी से उतर जाते हैं। इस तरह हम सभी के छिलके उतार लेंगे। कच्चे आम को हमने छील लिया है, आप देख सकते हैं। हमें बड़े बड़े कच्चे आम ही लेने हैं और अब इन्हें हमें किसना है, यानी कि ग्रेट करना है। तो इस तरह हम इसको ग्रेट करेंगे। बड़ी आसानी से हो जाता है, आप देख सकते हैं। इस तरह देख के बड़े बड़े लच्छे निकल रहे हैं, बिल्कुल हमारी लच्छेदार चटनी बनेगी। इस तरह हमें सभी को ग्रेट करना है। ये देखे कितने अच्छे लच्छे निकले हैं। इस तरह आप देख सकते हैं, पूरा अच्छे से हमें इसको ग्रेट करना है। ये देखिए, बस ये गुठली जो बचेगी इसको अब हम फेंक देंगे। कितने अच्छे लच्छे हमारे निकले हैं। इस तरह आप देख सकते हैं, सभी को मैंने ग्रेट कर लिया है। हमें इस तरह ग्रेट करना है और एक बात का ध्यान रखना है कि हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं लगाना है। बिल्कुल पानी का रेशा भी इसमें नहीं रहना चाहिए। तो चलिए अब हम चटनी बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर 1 किलो केरी ली है, तो हमें यहाँ पर जो शक्कर लेंगे वो इससे थोड़ी सी कम लेंगे, क्योंकि इसमें गुठली वगैरह निकले हैं तो थोड़ा वजन उससे कम हो गया है। तो यहाँ पर हम 900 ग्राम शक्कर लेंगे। गैस पे मैंने नॉन स्टिक पैन रखा है और उसमें मैंने 900 ग्राम शक्कर ऐड की है। अब जो हमने कच्चे आम का जो पल्प बनाया था वो इसमें हम ऐड करेंगे। सारा पल्प हम इसमें डाल देते हैं। पानी हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि ये चटनी हमें साल भर के लिए रखनी है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो अच्छे से हम दोनों को मिक्स कर लेंगे, शक्कर को और पल्प को। गैस की फ्लेम को अब हम फुल कर देते हैं और इसको शक्कर को जो है मेल्ट होने देंगे। आप देख सकते हैं शक्कर जो हमारी मेल्ट होने लग गई है। बैटर भी हमारा जो है बहुत पतला हो गया है। अभी इसे हमें पकाना है। इस तरह इसे हमें बीच बीच में चलाते रहना है और इसे हमें 20 से 25 मिनट कम फ्लेम पे पकाना है, ताकि जो ये शुगर सिरप है ये भी बहुत पतला है, थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाए तब तक हम इसको पकाएंगे। तब तक हम चटनी में डालने के मसाले भी तैयार कर लेते हैं। मसाले बनाने के लिए मैंने रखा है 1 पैन, जिसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हम डालेंगे हरी सौंफ, 1/4 टीस्पून हम डालेंगे कलौंजी यानी काला जीरा, 1 टीस्पून हम डालेंगे अजवाइन, 1 दाना मेथी, जीरा, कलौंजी सभी जो हमने डाली की सभी को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको चलाएंगे कम फ्लेम पे। खुशबू आने लग गई है, तो चलिए फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। और जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तब हमें इसे मिक्सी में बारीक पीसना है। हमें इसका पाउडर तैयार करना है। ये मसाला हम चटनी में लास्ट में डालेंगे। चटनी जो हमारी बनकर तैयार हो गई है, हमें इसको इतना ही गाढ़ा करना है। बहुत से लोग कहते हैं कि चटनी हमारी हार्ड हो गई है। इसका भी एक रीजन होता है जो मैं आज आपको बताऊंगी अपने वीडियो में। चटनी इसलिए हार्ड हो जाती है कि हम उसको ज्यादा पका लेते हैं। ज्यादा पकाने से क्या है कि जैसे जैसे वो ठंडी होती जाएगी तो और ही जो है थिक होती जाएगी। तो हमें ज्यादा अभी थिक नहीं करनी है, जैसे जैसे ठंडी होगी तो थिक होती जाएगी। तो इस तरह हमें इसे भी बंद कर देना है। हम इसमें मसाले ऐड करेंगे और बंद कर देंगे। और यदि बाद में आपको लगे कि ये भी थोड़ी ज्यादा लिक्विड है तो आप वापस से इसको पका सकते हैं। लेकिन यदि एक बार ये टाइट हो गई तो वापस इसको सेट करना बहुत मुश्किल है। यदि आप फर्स्ट बार बना रहे हैं तो इस तरह चेक करके देख लें। आप बनाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। बस बिल्कुल हमें इस तरह रखना है और गैस की फ्लेम को बंद करना है मसाले ऐड करने के बाद। मैंने लिया है खाने वाला नमक, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे। 1 टीस्पून हमें इसमें डालना है लाल मिर्च पाउडर और बिल्कुल जरा से हम डालेंगे हल्दी। 1/2 टीस्पून हमें डालना है इलायची पाउडर। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। गैस के फ्लेम को अब मैंने बंद कर दिया है। इसमें जो हमने जो मसाले ड्राई रोस्ट किए थे उसको मैंने पीस लिया है। सभी को हम मिक्स करेंगे। ये मसाले डालने से चटनी खाने में टेस्टी लगता है, अलग ही फ्लेवर आता है, अलग ही टेस्ट आता है। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अब चटनी को अब हम ठंडा होने देंगे। चटनी को मैंने सर्व कर दिया। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी टेस्टी और यमी चटनी हमारी बनकर तैयार हुई है। कलर भी कितना अच्छा आया है। ये चटनी हमारी साल भर खराब नहीं होगी, लेकिन हमें रखना है कुछ बातों का ध्यान। 1, इसमें हम गीला चम्मच नहीं लगाएं, पानी से इसे हम दूर ही रखें।
जितनी चाहिए उतनी हम निकाल लें, बाकी को हम कांच के बर्नी में भरकर फ्रिज के अंदर रख दें। इस तरह कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसका कि हमें ध्यान रखना है। बिना प्रिजर्वेटिव के चटनी जो है हमारी साल भर तक खराब नहीं होगी, यदि आप इन बातों को फॉलो करेंगे। ये चटनी हम पराठा, पूरी, नान, सैंडविच के साथ खा सकते हैं। इतनी टेस्ट और यम्मी लगती है कि हम इसको ऐसे ही खा सकते हैं। सीजन में एक बार बनाए और साल भर आप इसका मजा लें। ये देखिए मैं दिखाती हूँ कितनी अच्छी चटनी हमारी बनकर तैयार हुई है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।